को समझने के लिए वी वुड बी थिंकिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अगेन. ओके, सपोज यू आर द ओनर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक फ्लिपकार्ट. ओके, आप एक ऑर्गेनाइजेशन के ओनर हो फ्लिपकार्ट के, आपके पास दो सर्वर्स है. ओके, आपके पास दो सर्वर्स है. वन सर्वर टेक्स केयर ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. ओके, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, 1000 एम्प्लॉइज है समझो, उनका सारा डेटा वहां पर रहता है. दूसरा सर्वर, द सेकेंड सर्वर, टेक्स केयर ऑफ द पीपल हु रिक्वेस्ट योर वेबसाइट. ओके, रोज हजारों थाउजेंड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ न्यू पीपल ट्राई टू एंटर योर द सेकेंड सर्वर. ओके, जिसमें रोज रिक्वेस्ट आती है, वो चीजें देखते हैं, दे बाय समथिंग लाइक द कस्टमर्स. ओके, दोज आर लाइक द कस्टमर्स और द इंक्वायरीज. ओके, तो अचानक एक दिन क्या हो गया कि दैट जो सेकेंड सर्वर था ना, जो कस्टमर्स को हैंडल करता है, दैट हैज द कैपेबिलिटी ऑफ हैंडलिंग 10,000 यूजर्स एवरी डे, न्यू यूजर्स इट कैन हैंडल, उसकी उतनी कैपेसिटी है. लेकिन सडनली व्हाट हैपेंड, द पॉपुलैरिटी ऑफ ऑफ योर वेबसाइट इंक्रीज्ड, एंड ऑन वन डे देर वर लाइक 2 लाख पीपल हु ट्राइड टू एक्सेस दैट सर्वर. ओके, ऑन द सेम टाइम, एट द सेम टाइम. तो उस टाइम पे क्या हुआ, उस सर्वर की उतनी कैपेसिटी नहीं थी, एंड दैट सर्वर वॉज स्टॉप्ड. ओके, स्टॉप हो गया वो, एंड देवर द सर्वर वॉज नॉट एबल टू फुलफिल देयर रिक्वेस्ट. ओके, ऐसी चीज हो गई. तो देखो, अगर ऐसी चीज होती है ना, द कस्टमर वोंट कम बैक टू यू. ओके, बिकॉज द बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स इज हाई, तो ही हैज वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल. इफ दिस इज हैपनिंग एट द बिगनिंग ओनली, आई मीन इफ दिस इज हैपनिंग एट द टाइम व्हेन आई एम जस्ट सर्चिंग द क्लोथ्स और एनीथिंग, तो पेमेंट करने के टाइम ऐसे हो गया, फिर तो मेरी वाट लग जाएगी. समझ रहे, स्टार्टिंग में ऐसा हो रहा है, तो दिस फीलिंग कैन कम टू द पर्सन हु इज ट्राइंग टू एक्सेस योर वेबसाइट. तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो वो 5-10 हजार कस्टमर्स चले गए आपके वेबसाइट से, दे मेड श्योर दैट वो सारे कस्टमर्स को लेकर गए, एक दूसरे को बोलकर कि दिस वेबसाइट इज नॉट प्रॉपर, ये हैंडल नहीं कर सकती, इसका इतना स्ट्रांग नहीं है, इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो इसमें झोल है. ओके, ऐसा बोलकर आपके कस्टमर्स कम होने लगे. नाउ यू वर वेरी डिसअपॉइंटेड, यू डिडंट नो व्हाट टू डू एट दैट टाइम. ओके, तो आपके फ्रेंड ने आपको बोला कि यू हैड अ फ्रेंड, यू आस्क्ड हिम कि व्हाट टू डू. तो उस टाइम पे आपके फ्रेंड ने आपके बोला कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ सुपर कंप्यूटर. ओके, सुपर कंप्यूटर नामक चीज होती है, व्हाई डोंट यू बाय दैट. ओके, तो वो सुपर कंप्यूटर का उस टाइम पे प्राइस था, मतलब व्हेन यू वांटेड टू बाय इट, इट वाज लाइक 10 करोड़ रुपीज. ओके, आपके पास उतना फंड था नहीं, तो देन यू वर नॉट एबल टू बाय दैट एज वेल. सुपर कंप्यूटर होता है एक ऐसा कंप्यूटर जिसका कॉन्फिगरेशन बहुत ज्यादा होता है. ओके, अमेजिंग अमाउंट्स ऑफ स्पीड, वंस यू बाय दैट यू डोंट नीड एनीथिंग. ओके, उसमें बहुत सारी कैपेबिलिटी होती है, अमेजिंग अमाउंट ऑफ स्पीड, अमेजिंग अमाउंट ऑफ स्टोरेज, बट 10 करोड़ रुपीज, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ही ना खास. ओके, तो आप वो भी खरीद नहीं पाए क्योंकि आपके पास उतने फंड्स नहीं थे फिलहाल, और आप कर्जा नहीं लेना चाहते थे मार्केट से क्योंकि आपके कस्टमर्स वैसे भी जा रहे थे. तो अगेन यू अप्रोच्ड एन आईटी ऑर्गेनाइजेशन जिसको आपने पूछा कि व्हाट कैन बी द सोल्यूशन फॉर इट. ओके, व्हाट कैन बी द सोल्यूशन फॉर इट. तो दैट ऑर्गेनाइजेशन टोल्ड यू दैट व्हाई डोंट यू इम्प्लीमेंट ग्रिड कंप्यूटिंग. ओके, विद द हेल्प ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग द आईटी कंपोनेंट्स विच यू ऑलरेडी ओन कैन टेक द पावर ऑफ अ सुपर कंप्यूटर. ओके, आपके जो आईटी कंपोनेंट्स आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, उसकी पावर आप सुपर कंप्यूटर जितनी कर सकते हो. ओके, ऐसा उन्होंने कहा, तो आपको मजाक लगा, बट यू कॉल्ड देम एंड यू टोल्ड देम टू इम्प्लीमेंट इट. सो व्हाट हैपेंड, आपके पास दो सर्वर थे है ना, एक सर्वर वॉज फॉर मैनेजिंग द एम्प्लॉइज, द सेकेंड सर्वर वॉज फॉर द कस्टमर्स विच got full on that day and your customers were disappointed. Okay, which was not able to respond to the customer's request क्योंकि उतनी capacity नहीं थी. तो फिर क्या हुआ कि those technical guy came in and they connected the two servers in such a way that आपने वापस आपका website शुरू कर दिया. Okay, it started again. So लोग आने लगे. So अगर इस server का, the server which was taking care of the वेबसाइट पीपल और द कस्टमर्स, वो सर्वर का लोड अगर बढ़ता है, इफ दैट लोड इंक्रीजेस, दे कनेक्टेड द टू सर्वर्स इन सच अ वे दैट लोड इज ट्रांसफर्ड ऑन टू द सर्वर नंबर 1.
ओके, वो लोड इज ट्रांसफर्ड ऑन टू द सर्वर नंबर वन एंड प्रोसेसिंग इज डन ऑन दैट सर्वर, बिकॉज दैट सर्वर इज यूजुअली आइडल कंपेयर टू द सेकेंड सर्वर. तो उन्होंने उधर लोड ट्रांसफर किया, उधर काम हुआ और रिजल्ट इसको दे दिया गया, इसको कस्टमर को, इफ रिक्वायर्ड. ओके, इफ दैट सर्वर बिकम्स फुल द लोड वुड बी ट्रांसफर. समझाया थोड़ा बहुत? तो सिमिलरली इफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज 10 सर्वर्स, दे कैन बी कनेक्टेड टूगेदर एंड द लोड कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर, गिविंग एन इम्प्रेशन. यानी वो जो सर्वर्स है ना, उनकी अनयूज कैपेसिटी यूज होगी. समझ आया क्या? द सर्वर विच हैज नॉट बीन यूज, या फिर उनके पास ऐसी कुछ कैपेसिटी विच इज नॉट इन यूज राइट नाउ, दैट वुड बी यूज. थ्री इडियट्स देखिए, थ्री इडियट्स में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वायरस इन्वर्टर. दैट इन्वर्टर जनरेटेड पावर फ्रॉम द अनयूज कार के बैटरीज, है ना. अनयूज कार के बैटरीज में इट गॉट पावर ऑफ एन इन्वर्टर. समझ रहा है क्या? सिर्फ वो बैटरीज से. सिमिलरली बाय यूटिलाइजिंग द अनयूज कंपोनेंट्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन गेन अ पावर ऑफ अ सुपर कंप्यूटर. समझ रहा है क्या? तो वी वुड जस्ट लुक एट अ वीडियो जिससे आपका और क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट. One view to analyze huge data sets instantaneously. Run scenarios not hundreds, but thousands of times. Bring teams together to radically reduce time to market, all while increasing productivity. You might think you own a supercomputer, and in today's on-demand world, it can feel like you need one, just to get the detailed results, always faster, always more accurately, that make you competitive in the marketplace. The good news? IT components you may already own, mainframes, unit servers, Intel servers, databases, storage systems, even desktop computers and workstations, harbor enormous untapped processing and storage power. Power you can easily start pulling together and dedicating to your most pressing business problems. This is IBM Grid Computing. How does grid computing unleash the power of existing systems? Okay, look at this diagram over here. You could find server A, server B, server C. Okay, so three servers hai. Server B is idle. Okay, server C is 10% utilized. And server A wo server hai jo puri tarah se utilized hone wala hai. So once it turns red, it would be in the warning state ki it cannot handle more requests. Okay, tab kya hota hai? Typical IT department, before grid, a powerful application runs on a designated server. During peak cycles, that server can get overworked and the application can slow, wait, even stall. Server capacity and access to the data store place extreme limitations on how quickly output can be returned. Cycles on other servers are sitting idle. Cycles on other servers are sitting idle. Okay, ye full ho raha hai, lekin dusre servers ke cycles idle hai. Unused disk capacity remains unavailable. In a grid deployment, workload can be broken up and sent in manageable pieces to idle server cycles. A scheduler sets rules and priorities for routing the job. When servers and storage are enabled for grid, copies of the data can be stored in formerly unused space and made. So, samjhaya kya? Apan ko sirf itna samajhna tha ki if one server gets full, okay, we can make sure that we transfer the load to another server and the unused capacity can be used, turning your all IT components into a supercomputer. Samjhaya grid computing? Pakka? Likh paoge? Okay.